तो भाई लोग यार फिर से आ गए हम एक और नई गेम प्ले वीडियो में। वो भाई लोग यार ये वीडियो बनाना ना भाई, इस हफ्ते मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ मैं तुम्हें बता नहीं सकता, क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। भाई इस हफ्ते पहले तो मैंने आज की वीडियो रिकॉर्ड करी नॉर्मल, भाई मैं संडे मंडे को रिकॉर्ड कर लेता हूँ आज की वीडियो, मैंने संडे को रिकॉर्ड कर ली। भाई मंडे को क्या हुआ, मेरी भाई पूरी पूरी प्रोग्रेस रीसेट हो गई, मतलब जितने भी हमने खेला था ना आज तक आर्क सबकी, खैर जाने तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, पूरी प्रोग्रेस का नाश होने के बाद हमने लेवल वन से शुरू करना पड़ा अब। ठीक है, उसके बाद में हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, प्रोग्रेस गई तो जाने दो, कुछ और खेलते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने ये एक नया गेम था मेरे पास, जेडाई फॉलन ऑर्डर, भाई मुझे एपिक की सेल पे मिल गया था, जिसे हम आज खेलने भी वाले हैं। ठीक है, इसे भाई मैंने ऐसे ट्यूजडे को ट्राई करा होगा खेलने का, भाई नहीं चला गेम, स्टार्ट करा नहीं चला। उसके बाद भाई मुझे हो गया बुखार, भाई जुकाम बुखार भर के मुझे लग गई ठंड, और मैं भाई बिल्कुल बिस्तर पड़ा रहा, मैं पे उठा भी नहीं गया। उसके बाद भाई मैंने खेला सीओडी, सीओडी में ऑडियो का इशू आ गया, भाई मैंने फ़ोन पे ऐसे खेला था वीडियो का जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट करने के लिए, भाई नहीं हो पाया। ठीक है, वो भी ख़त्म। याद रखो आज सैटरडे है भाई, और बिल्कुल शाम का टाइम हो रखा है, बाहर रात हो रही है, मैं उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद अभी एडिट भी करनी है। याद रखो इस मेहनत के लिए जो मैं अभी करने वाला हूँ, अगर तुम्हें अच्छी लगे और भाई जो मेरे साथ गलत सीन हुआ उसके लिए थोड़ा बहुत लिटिल लिटिल तुम्हें ऐसा सहानुभूति टाइप हो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है गेमर हार्टबीट को, क्योंकि अब अपने चैनल पे शॉर्ट्स भी आते हैं। हाँ, बीच में हफ्ते में दो दिन नहीं आ पाए शॉर्ट्स, मेरे साथ क्या हो रखा था मैं क्या बताऊँ यार, बीमार हो रखा था मैं उस टाइम। ठीक है, तो इसे नहीं आ पाए शॉर्ट्स, नहीं तो वैसे नॉर्मल कंडीशन में डेली शॉर्ट्स आने हैं सैटरडे को छोड़ के, क्योंकि सैटरडे को आती है अपनी लंबी वीडियोज, तो भाई रेगुलर शॉर्ट्स के लिए सब्सक्राइब तो तुम कर ही सकते हो, और भाई शॉर्ट्स भी देख लिया करो यार, रोज आते हैं, डेली एक शॉर्ट आता है, और शॉर्ट्स के ऐसे वैसे नहीं भाई बेकार सस्ती क्वालिटी के, एकदम मजेदार नेक्स्ट लेवल शॉर्ट आते हैं, ट्राई करो यार, चार शॉर्ट पड़े भी हैं, चार ही शॉर्ट पड़े हैं अभी चैनल पे, तो ट्राई करो, हो सकता है पांचवा भी आ गया हो। कुछ नहीं करना, खाली चैनल पे जाना है, शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाओ, देखो यार मजा आएगा। ठीक है, शेयर वेयर भी करना अपने भाई लोग के साथ, क्योंकि ठीक है नेक्स्ट लेवल जैसे अपनी वीडियो होती है ऐसे नेक्स्ट लेवल शॉर्ट्स हैं, और एक एक मिनट में मतलब पूरे मजा आ जाएंगे तुम्हें जिंदगी का। वीडियो शुरू करते हैं अभी के लिए। ओ भाई स्टार वॉर्स फील आ गई शुरू होते ही, बड़ी बड़ी तकड़ी तकड़ी स्पेस के अंदर की बिल्डिंग और स्पेस क्राफ्ट, यार ग्राफिक नेक्स्ट लेवल है इसके, एक बात माननी पड़ेगी यार, क्या तकड़ी ग्राफिक्स है ये। भाई मैं तुम्हें बता दूं, गेम जब का है भाई, रेवेंज ऑफ सिथ के बाद का, तुरंत बाद का, मतलब जब एनाकिन स्काईवॉकर ने सबको मारना पीटना शुरू कर दिया था और न्यू ऑर्डर लागू हो गया था। भाई ग्राफिक तो नेक्स्ट लेवल ही रियलिस्टिक है इसके गेम के, तो हमें भाई ऊपर जाके भी कोई केबल वेबल फिक्स करने है, और मजदूरी में लगा रखा है अभी हमें। अरे भाई क्या हो गया, अरे भाई ये पटरी टूट गया, अरे भाई रुकने का कोई सिस्टम है, इधर भाई किधर जाऊँ, शायद इधर जाना थोड़ा सही रहेगा, इधर बढ़िया। अरे भाई इस टूटे हुए पटरे से तो सीधा ही हम लोग का टिकट कटने वाला है इस बंदे का, ओ लटक गया। ठीक है भाई, अब ये बंदा गिर रहा है और हम दोनों ही लटके पड़े हैं वैसे तो, लेकिन इसकी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब लग रही है और भाई लटकने वाला है ये, और भाई हमने लगा दिया फोर्स, तो भाई हमने फोर्स का यूज़ करके इसे रोक लिया, लेकिन इसके ऊपर तो कुछ ज़्यादा बड़ा गिर गया। हमारा जो शिप है ना उसके ऊपर, ये जो शिप है ये उनका है जो मतलब दिव्य शक्ति की साइड से एम्पायर के अटैक के बाद, ये जो मतलब तुम स्क्रीन में देख रहे हो सामने, ये हमारा लीडर है, और भाई जो छोटा लोंडा है ये जिसे तुम अभी देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये हमारा कैरेक्टर है, हमें मतलब। तो भाई क्या है, हमारा जो स्पेसशिप है काफ़ी बड़ा स्पेसशिप था वो जेडाइयों का, उसके ऊपर क्या है भाई, एक जेडाई का स्पेसशिप आगे क्रैश हो गया था। ठीक है, तो ये क्या था कि भाई क्या है, कोई जेडाई का स्पेसशिप है, तो हम उसकी मतलब जांच पड़ताल ही कर रहे थे, तो तभी क्या है भाई एकदम से पता नहीं कैसे अपना पूरा शिप टूटने फूटने लग गया। ठीक है, तो फिर जो है जो प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर हम खड़े थे भाई, पूरा ही प्लेटफॉर्म ऐसे टूट के भाई गिरने लग गया, टेढ़ा सा हो गया, गिरने लग गया। तो भाई क्या है, प्लेटफॉर्म से कुछ रस्सी लटक गई थी भाई, उससे हम दोनों लटक गए थे, हम भी और भाई ये भी बंदा, लेकिन क्या है ये बंदे का जो है मतलब उस पर ग्रिप जो है छूटने लगी थी, तो जब क्या है ये बंदा जैसे नीचे जाता था ना, तो हमने क्या ऐसे करके जैसे जेडाई लोग फोर्स लगा देते थे भाई, ऐसे करके हमने फोर्स लगा के ऐसे रोक दिया था। तो क्या था कि भाई क्या तुम जेडाई हो, हमने कहा कि नहीं भाई हमें तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं पता था, तो इसने कहा कि भाई तुम्हारे लिए जगह सेफ नहीं है, क्योंकि भाई तुम जेडाई वाली क्वालिटी से तुम्हारे अंदर फोर्स है, और जो सिथ है वो भाई पकड़ रहे थे जड़ाइयों को एकदम ढंग से, तो तुम इस जगह को छोड़ के और भाई चले जाओ यहाँ से। अच्छा मैं समझ गया भाई, ये जो है ना सारे, ये जो मतलब दिव्य शक्ति की साइड थे
उनका तो जहाज था ही है, तो जो सिथ वाले थे उनका जहाज इनके जहाज के पास आ गया था और इन्हें पकड़ने की कोशिश, पहले तो उन्होंने हमला करा, फिर जब ये हमले से जो लोग बच गए वो एक जहाज में बैठ के जाए थे, उन्हें इन्होंने पकड़ने की कोशिश करी। और अब क्या कहते हैं, जब वो इन्हें पकड़ने वाले थे तभी भाई जो इसका गुरु था उसने कहा कि दिव्य शक्ति में विश्वास रखो, मतलब ये हो सकता है इसे काली छाया की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। अबे तो इनकी बात मान रहा था। अच्छा अरे भाई यार ये तो गलत सीन हो गया। और इसने नीचे फेंक दिया और हम अभी किसी चीज के ऊपर गिर चुके हैं, मुझे नहीं पता है क्या है भाई, नीचे से ऐसी बहुत सारी चीजें जाई थी, हम उनमें से एक के ऊपर गिर चुके हैं। ये ले बेटा ये ले। तो मैं भी भाई बताता हूँ हुआ क्या था। हमने क्या है, जो जेडाई का प्लेन क्रैश हुआ था उसके यहाँ से ये लाइट सेवर मतलब उठा ली थी भाई। जिस जेडाई का प्लेन क्रैश हुआ था वो हमारे सपने में आया था, उसने कहा था कि भाई दिव्य शक्ति में विश्वास रखना कुछ भी हो जाए। सिथ की साइड से जो उनकी लीडर आई हुई थी उसने क्या है, उसने ये कही थी कि भाई अगर तुम्हारे साथ कोई जेडाई है या उससे रिलेटेड कोई बंदा है तो तुम हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें सारा कुछ जाने देंगे। तो भाई जो हमारा लीडर था ना उसे पता था कि हमारे अंदर फोर्स काफी ज्यादा पावरफुल है और हमारे पास लाइट सेवर भी है, तो उसने हमें बचाने के लिए क्या करा, हमने तो भाई ऐसे पीछे हाथ कर रखा था जहाँ पे हमारी लाइट सेवर लग रही थी उसे निकालने के लिए। ठीक है, तो भाई वो बंदा क्या है वो कहने लगा उनके पास जाकर, उनके अरे हम तो भाई सिथ पे बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, सिथ तो बहुत बढ़िया लोग हैं, हम सिथ के साथ हैं। तो भाई उसे पता लग गया लेकिन लोंडिया को कि भाई ये बोलना है झूठ। अब भाई उसने क्या करा, उसे एकदम से मार दिया भाई। जैसे हमने इसे मारा हमें भाई गुस्सा आ गया, हमने क्या करा लाइट सेवर निकाल लिया भाई, उस पर हमला करने गया ऐसे। लेकिन तभी उसने क्या करा, हमारे हमला रोक के एक दूसरा बंदा था भाई बहुत बड़ा हल्क जैसा उसके पास फेंक दिया भाई, उसने हमें पकड़ लिया, उसने कहा ये मिल गया हमें जेडाई, ऐसे हाथ ऊपर करके ये मिल गया हमें जेडाई, ऐसे पकड़ रखा था उसने हमें अपने हाथ में भाई, ज्यादा बड़ा था वो। तो भाई हमने क्या करा जैसे तैसे करके उससे छूटे हम और नीचे आके गिर गए, नीचे ऐसे कुछ बहुत सारे स्पेसशिप से जाए थे उनके ऊपर हम आके गिर गए। और भाई अभी क्या कहते हैं हम यहाँ पे हैं। ओ भाई इसके अंदर से ही मार दिया हमने बंदा, तो इसके सहारे हम आगे जा सकते हैं। ठीक है आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे बर्फुलदार, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, और पार्कोर एक्सपर्ट तो हम हैं ही, हमने अपनी छठी क्लास से पार्कोर करना सीख लिया था। अभी मुझे यहाँ पे कहीं लटकना है बिल्कुल सही। ये ले बेटा ये ले। ओ भाई बढ़िया मजा आ गया है तो। अरे भाई तू क्या सुपरमैन है, है? नाइस, इसको हम रोक सकते हैं भाई फोर्स का यूज करके इस पंखे को। चेन्नई एक्सप्रेस चल रही है सर, कैसे हैं आप? मैं शाहरुख खान। अरे भागो भाई भागो। अरे ये तो भर के बात है। अरे हाँ हाँ ठीक है। और हम आ गए इसके पीछे कवर में। ठीक है, ओ नहीं बढ़ गए भाई अंदर। इसने भाई गधे के बच्चे ने अपनी बंदे मार दिए। भाई गलत बॉस के लिए काम कराया तुमने तो। ठीक है, ओ नहीं मैं वापिस जा रहा हूँ। अरे भैया पूरी फोड़ दिया आगे का। कोई नहीं हम फिर भी आगे जाएंगे। ठीक है इस बाजू से जाना है। ठीक है नीचे जा रहे हैं। हाँ सिर ड्रॉप मारे और ग्रिप करा। अरे भैया कैसे एडवेंचर देखने पड़ रहे हैं यार, आज तो पक्का नीचे टपकने का दिन है भाई। टूटी फूटी रेल पे कैसे चढ़ना पड़ रहा है यार, क्या दिन आ गया आज। पता नहीं किसकी गंदी शक्ल देख के उठा रहा है बंदा आज, घड़ी मुसीबत आ रही है इस पे। तो हम अभी ठीक है ऊपर जाना है यार। भाई स्पाइडरमैन गेम बना दो, जेडाई गेम बनाई नहीं चुकी हुए तुम्हें, अगर इतना भाई पार्कोर कराना है तो। ठीक है लटक चुके हैं हम। अरे भैया ये भी टपक गया। मेरी एक बात ही समझ भाई, इस बंदे की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है बहुत ज्यादा बुरी, क्योंकि जहां भी ये बंदा जा रहा है वहीं से दुनिया भर का पार्कोर करना पड़ रहा है, चीजें टूटती फूटती जा रही हैं जो जिससे कि इसकी मुसीबत बढ़ रही है, तो इससे बुरी भी है। अभी तक ये जिंदा बच रखा है इतनी ज्यादा मुसीबतों में, इससे हो सकता है इसकी किस्मत अच्छी भी हो, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा।
अरे भैया आज तो गया काम। ही इज सेफ, शायद अच्छी है ऐसी किस्मत, बस थोड़ा रिस्क ज्यादा है। ठीक है तो भाई अभी हमें एक जेडाई शिप ने बचा लिया और ठीक है, उसने हमें एक लौंडे दिखी थी भाई जो हमें बचाने आई थी और हमें उसी के पास पहुंचना है अभी कैसे ना कैसे करके, और ट्रेन में आगे बढ़ते जाना है, शायद वो हमें ट्रेन के दूसरे एंड पे मिल जाए। पूरा खतरनाक युद्ध चल रखा है। अरे भाई और अभी रपट चुके हैं हम, अब तो गए भाई काम से, अब तो गया भाई, अब तो बंदा पता नहीं रगड़ता हुआ कहाँ जा रहा है, ट्रेन के दूसरे छोर से ऐसे पट करके नीचे गिर जाएगा। अरे भाई रुक जा, स्पीड कम कर दे भाई, ब्रेक लगा दे, चढ़ जाओ भाई इस पर, यही एक ऑप्शन है, हाथ देने का भी ऑप्शन नहीं बचा अब। गया भाई, डेड है अब तो, डेड है, पैराशूट भी नहीं पहन रखा इसने इस खतरनाक पार्कों से पहले, लेकिन ये किसी रोबोट ने आके बचा लिया हमें शायद। ठीक है यार, अच्छे खासे शिप पे चढ़ते चढ़ते फिर क्या कहते हैं गड़बड़ हो गई भाई, ये वो चुड़ैल आ गई जो उनसी ने उस बंदे को मारा था। जेड से ये कौन सा अटैक था, अच्छा ऐसे रोल हो सकते हैं हम जेड का यूज करके, ऐसे भाग सकते हैं अपना पीछा छुड़ा के। ठीक है, नहीं मार भी सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, रन ही रन करते हैं हमेशा। ओ ओ ओ ठीक है, ये ले, जेड से पीछे गए और ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक बार और ट्राई करना चाहेंगे। क्या दबाना है, ये दबाना, ठीक है। और अभी भाई स्टेलमेट वाली पोजीशन आ रखी थी तो जो भाई जेडाई लड़के में बचाने आई थी ना उसने शिप से ब्लास्टर मार दिया और वो जो भाई चुड़ैल थी वो तो कहीं दूर जाए गिर गई। ठीक है पीछा रखी है, लेकिन ये भाग जा भाई पहली फुर्सत में, टाइम अच्छा है तो। अरे भाग लो यार, अरे यार तुम्हारी अटैक वापस मार देगी, भागो जल्दी से। अरे नहीं भाई, ओ बच गए, चुड़ैल ने खाली एक स्क्रैच मारा अपनी शिप पे। अबे अरे भूतनिया क्या भाई, लटक रखी है शिप पे भाई, क्या है, अरे निकलो जल्दी, चलो छूट तो गई। तो ये बंदा कह रहा है भाई इसे बंद करके लाइट सेवर को अपनी सीट पकड़ लो भाई। ये बंदा है कैप्टन, ये खगोल जैसे थूत का। हम इस जेडाई शिप में आ गए थे और हमारी बात हुई इन दो बंदे से, इस जेडाई शिप में बस दो बंदे हैं, तो हमने पूछा कि भाई तुमने हमें ट्रैक कैसे करा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो एम्पायर वाले थे ना इंक्विजिटर्स, मतलब जो जेडाइयों को पकड़ रहे थे, उनकी कम्युनिकेशन टैप कर ली थी और उससे उन्हें पता लगा कि ये जो है हमारे पीछे जा रहे हैं, तो ये भी वहीं आ गए उनसे लड़ने और हमें बचाने, और फाइनली इन्होंने हमें बचा भी लिया। ये कह रहे हैं कि भाई तुम बहुत लंबे समय से मतलब खुद को बचाते हो, लेकिन हमें सिर्फ बचना नहीं है एम्पायर से, हमें जेडाई काउंसिल को फिर से स्थापित करना है। हमने पूछा था कि भाई और लोग भी हैं क्या हमारे साथ में, तो अभी तो भाई यही दो बंदे हैं, एक भाई वो खरगोश का थूत का और एक भाई वो लड़की है। मुझे तो सीरियसली बताऊँ काफ़ी बढ़िया लगा है गेम यार, ग्राफिक्स तो एकदम नेक्स्ट लेवल थे और भाई गेम प्ले भी मज़ा सा आ गया। ठीक है कतई स्टार वॉर्स वाली फील आई थी, तो अगर तुम भी एक स्टार वॉर्स फैन हो तो अपने बाकी स्टार वॉर्स फैंस के साथ शेयर करो इस वीडियो को, और जो नहीं है फैंस स्टार वॉर्स के वो भी धो शेयर करो अपने दोस्तों लोगों के साथ। और भाई लोग आज वाली वीडियो में बस इतना, अगर तुम्हें इस वाली वीडियो में आया तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई दबा के। और यार आज तो मैंने मतलब ऐसे ही खेला था गेम, ठीक है वीडियो लाने के लिए, लेकिन भाई गेम तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब मज़ा आ गया। ठीक है सीरियसली, और अगर तुम इसकी वीडियोस आगे भी चाहते हो तो भाई कर दो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भर के, क्योंकि यार देखो गेम काफ़ी बढ़िया है भाई, एकदम फ्यूचरिस्टिक टाइप का भी है, ठीक है, और भाई एकदम एक्शन सीन वगैरह भी भाई नेक्स्ट लेवल ही है कतई, तो मुझे तो भाई लगता नहीं कि कोई कमी है इस गेम में। फिर भी अगर तुम्हें भाई GTA चाहिए हो तो कमेंट्स में लिख देना GTA के लिए, और ये गेम चाहिए हो तो इसके लिए भी कमेंट्स में लिख देना कि ये आगे तुम्हें देखना है या नहीं। और आज तो कुछ टाइम के लिए अभी सस्पेंडेड है, नहीं आ पाने का, कुछ दिन बाद कंटिन्यू करेंगे।
आज की वाली वीडियो में बस इतना ही यार। अगर तुम्हें इस वाली वीडियो में जाए तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है ना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो भर कर, और हर बार की तरह मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छे से सपोर्ट दिखाओ यार इस वीडियो में, ठीक है।